हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। गुरुग्राम से बड़ी खबर, सीएम मनोहर लाल की जनआशीर्वाद यात्रा को लेकर आपको बता दें, पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से सीएम मनोहर लाल रवाना होंगे। कल गुरुग्राम में उनकी जनआशीर्वाद यात्रा का समापन हुआ था। गुरुग्राम को सीएम कई विकास कार्यों की सौगात भी आज देने वाले हैं। कई विकास कार्यों का सीएम शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे। पलवल में जनसभाओं को सीएम संबोधित करेंगे, यानी गुरुग्राम से सीधा पलवल की ओर रुख करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। उससे पहले गुरुग्राम की जनता को करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से रवाना होंगे सीएम। कल मुख्यमंत्री की जनआशीर्वाद यात्रा का समापन गुरुग्राम में हुआ था और अब गुरुग्राम से आगे बढ़ती हुई पलवल का रुख करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। लेकिन उससे पहले गुरुग्राम वासियों को जरूर बड़ी सौगात देने वाले हैं और इस खबर पर हमारे साथ संजय राठौर जुड़ गए हैं। संजय, गुरुग्राम में कल समापन हुआ मुख्यमंत्री की यात्रा का और उसके बाद आज माना जा रहा है कि करोड़ों की सौगात गुरुग्राम वासियों को मिल सकती है। जी बिल्कुल अंजलि, आज जैसे कल सातवां दिन था आशीर्वाद यात्रा का, उसके बाद मुख्यमंत्री रात को गुरुग्राम में वो रुके थे और आज सुबह सुबह कुछ ही देर बाद वो करीबन 50 से 55 करोड़ रुपए की जो सौगात है गुरुग्राम वासियों को देने जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो कुछ रूटों पे नई बसें, जो सिटी बसें हैं, वो उसमें काफी अभाव था क्योंकि लोगों को काफी आने जाने में दिक्कत थी। उसके चार नए रूटों की सिटी बस का भी आज वो हरी झंडी दिखा के रवाना करेंगे। साथ ही साथ जो 55 करोड़ रुपए की नई परियोजना गुरुग्राम वासियों को मिलेगी, अपने में काफी बड़ी सौगात है क्योंकि इस यात्रा के दौरान जहां भी मुख्यमंत्री जा रहे हैं अलग अलग क्षेत्र में जाके अलग अलग घोषणाएं की गई हैं। और आज जो मुख्यमंत्री गुरुग्राम में घोषणा करने जा रहे हैं, गुरुग्राम वासियों को इससे काफी लाभ मिलेगा और इसी के बाद फरीदाबाद के लिए ये यात्रा निकल जाएगी। उससे पहले गुरुग्राम में 3 प्रोग्राम मुख्यमंत्री के रखे गए, जिसमें की 2 जनसभा, जिसमें एक प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा के मनीष यादव के कार्यालय में उनकी जनसभा रखी गई है, जिसमें वो संबोधित करेंगे और गुरुग्राम वासियों को और नई परियोजनाओं के बारे में अवगत कराएंगे। जी बिल्कुल, तो बेहद खास गुरुग्राम का दौरा मुख्यमंत्री का रहा। यहाँ पर रोड शो के साथ ही मुख्यमंत्री कई बड़ी सौगातें भी यहाँ के लोगों को देने जा रहे हैं। इसके बाद फरीदाबाद रुक करेगी मुख्यमंत्री की जनआशीर्वाद यात्रा, इसे लेकर क्या जानकारी संजय? जी बिल्कुल नंदी, मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि अभी करीबन कुछ देर में पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस से मुख्यमंत्री नई परियोजना का इनॉग्रेशन करेंगे। उसके बाद जो उनका रोड जो रोड मैप बनाया गया है, पहले इसको जो सुकराली के अंदर उनकी एक जनसभा रखी गई है, जिसके बाद वो रियलअप वन में यानी फेज वन में जाकर उनके जो रोड शो रखा गया है, उसके बाद वो फरीदाबाद की तरफ अग्रसर होंगे। और जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के किसान मोर्चा के, जो फरीदाबाद टोल टैक्स है और गुरुग्राम के बीच में, वहां एक जनसभा रखी गई है, जिसके बाद मुख्यमंत्री फरीदाबाद जाएंगे। जी चलिए, शुक्रिया आपका संजय तमाम जानकारी के लिए। तो आज गुरुग्राम से सीधा फरीदाबाद की यात्रा जो है, मुख्यमंत्री की यात्रा जो है वो फरीदाबाद का रुख करेगी और अभी कुछ ही देर में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से मुख्यमंत्री निकलेंगे।